दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी सक्रिय मोड में आ गई है। दिल्ली में रामलीला मंचन से फिल्मी स्टार और पॉप स्टार ने समा बांधा, जिन्हें देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम के दौरान मंच पर मौजूद मशहूर गायक नरेंद्र चंचल ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को भावी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बताया। वहीं मनोज तिवारी ने भी मुस्कुराते हुए नरेंद्र चंचल का आशीर्वाद स्वीकार किया। उत्तरी दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में प्रदर्श रामलीला कमेटी के मंच पर मशहूर पंजाबी पॉप सिंगर जस्सी ने अपने सुरों से ऐसा समा बांधा कि हर कोई थिरकने पर मजबूर हो गया। लोग न सिर्फ पंजाबी धुन पर जमकर थिरके, बल्कि इस अवसर पर शामिल हुए दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के गानों पर भी जमकर तालियां बजाई। लेकिन इस कार्यक्रम में मनोज तिवारी को दिल्ली का भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार बताकर बीजेपी में नई सियासी हलचल शुरू हो गई है। गौरतलब है कि बीजेपी ने अभी तक दिल्ली में अपना सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन मशहूर गायक नरेंद्र चंचल ने मनोज तिवारी को भावी मुख्यमंत्री बता दिया तो लगे हाथ। मनोज तिवारी ने भी स्वीकार करते हुए कहा कि बड़े आशीर्वाद देते हैं तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है। मन की बात है और थोड़ी बात को बड़ा करूं तो ये जन जन की सबसे बड़ी बात जो भी आपने कहा कि मनोज तिवारी भारतीय ये मेरे मन की बात भी है, जन जन की बात भी है। मैं उनका स्वागत करता हूं और वो हमारे जो हमारे लिए बहुत बड़े स्टार हैं। वो माता रानी के साक्षात स्वामी रामदेव महाराज जी एक वरदहस्त प्राप्त हैं, प्रिय शिष्य। तो वो हमको जो आशीर्वाद दे दिए मैंने सर झुका के स्वीकार किया। मनोज तिवारी के मन में है कि दिल्ली में एक बार 5 साल का बीजेपी का शासन हो और हम दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ दिल्ली बनाए, शर्मा जी निगेटिव लोगों से मुक्त कराए। हालांकि मौका भले ही रामलीला मंचन से पहले का था, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी यहां भी अपनी पार्टी के गुणगान और दिल्ली सरकार खिलाफ वादा खिलाफी के गुणगान करते नजर आए। कहीं होली के ये जगमग, कहीं दीपावली के मेले, हाँ दिवाली के मेले, यूं ही बैठे रहे जो चुन चुन के तो होगा नया सवेरा ये भारत देश है। बीजेपी कांग्रेस में चल रही अंतरकलह को भुनाना चाहती है और अपने लंबे वनवास को खत्म करना चाहती है। वहीं मनोज तिवारी जिस तरह से खुद को भावी उम्मीदवार बताए जाने की खुशी जाहिर करते हुए बड़ों का आशीर्वाद बताकर दिल्ली के सियासी गलियारे में हलचल तेज कर दी है। और बिना झूठ बोले हुए, बिना कोई साजिश किए हुए हम लोग दिल्ली के लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग कम्युनिटी को कनेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग कॉलोनीज को, झुग्गी झोपड़ी हो, नथराइज कॉलोनी हो, रिसेटलमेंट कॉलोनी हो, आप ये जितने भी इस तरह मेरे भाई और बहन गांव है, देहात है, पीछे इन सभी को इस पे आके बैठे हम लोग, ये आप ही के लिए लगी है। जो काम मोदी सरकार कर रही है उस पे कनेक्ट कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है भाइयों इधर आ जाओ कि हमने कई साल से बीजेपी को बनवास दिया हुआ है, इस बार 5 साल बीजेपी को मिलेगा और हम 5 साल में दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ दिल्ली बना करके देंगे। हालांकि इस मौके पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी मोदी सरकार की उपलब्धियों गिनाते हुए नजर आए। वहीं कहा कि दिल्ली में कई सालों से बीजेपी को वनवास दिया है, इस बार उन्हें उम्मीद है कि वनवास समाप्त होगा। दिल्ली से हर्षित मिश्रा, टोटल न्यूज़।